आपके गांव के किसी भी मंदिर, मस्जिद या स्कूल, कॉलेज या चौराहे को आप लोग गूगल मैप में ऐड कर सकते हो। इससे फायदा क्या है कि कोई भी व्यक्ति उसे सर्च करके उस लोकेशन तक पहुंच पाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि लोकेशन कैसे ऐड कर सकते हो किसी भी मंदिर, मस्जिद या स्कूल कॉलेज का। तो इस वीडियो को एंड तक बने रहे। वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं इसी तरह नए वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी मंदिर, मस्जिद या स्कूल कॉलेज का लोकेशन ऐड करने के लिए सबसे पहले गूगल मैप ओपन करेंगे। गूगल मैप ओपन हो जाने के बाद इस आइकन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सैटेलाइट मोड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सैटेलाइट मोड पर आपका गूगल मैप ओपन हो जाएगा। उसके बाद जिस लोकेशन को आप ऐड करना चाहते हो यहाँ से फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद जिस लोकेशन को आप लोग ऐड करना चाहते हो उसके बाद लॉन्ग प्रेस करेंगे। लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पर फाइंड हो जाएगा, तो यहाँ पर स्क्रॉल अप करेंगे। स्क्रॉल अप करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो ऐड ए मिसिंग प्लेस, तो यहाँ पर ऐड ए मिसिंग प्लेस पर क्लिक करेंगे। ऐड ए मिसिंग प्लेस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्लेस नाम डालेंगे। स्कूल, कॉलेज या चौराहे या किसी भी मंदिर है तो यहाँ पर उसका नाम टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी चूज करेंगे। कैटेगरी चूज करने के बाद यहाँ पर रिलीजियंस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हिंदू टेम्पल्स पर क्लिक करेंगे। आप किसी भी नाम पर यहाँ पर कैटेगरी चूज कर सकते हो। उसके बाद लोकेट विद इन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लोकेशन फाइंड करेंगे। उसके बाद ऐड मोर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप हावर डाल सकते हो या किस दिन पर ओपन रहता है, किस दिन पर क्लोज रहता है वो डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ऐड ए फोटो पर क्लिक करके यहाँ पर फोटो भी आप लोग डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर टेलीफोन नंबर दे सकते हो, वेबसाइट नंबर एंड यहाँ पर ओपनिंग डेट टाइम। उसके बाद यहाँ पर ऐड फोटो पर क्लिक करके आप लोग फोटो दे सकते हो जिस लोकेशन का या किसी भी मंदिर मस्जिद का आप यहाँ पर लोकेशन डाल रहे हो तो उसका फोटो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो थैंक्स फॉर शेयरिंग एंड हेल्पिंग अदर ऑन गूगल मैप्स करके। तो इसी तरह आप लोग किसी भी मंदिर, मस्जिद, स्कूल, कॉलेज को आप लोग ऐड कर सकते हो। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है। वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं इसी तरह नए वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।